Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English book 6. So take out your books and open the chapter named as The Ransom of the Red Chief. So let's start our remaining chapter. Exactly on time means bilkul aain waqt par. A half grown boy rides up the road on a bicycle. A half grown boy means not fully mature, यानी आधा जवान लड़का साइकिल पे रोड तक पहुँचता है. Slips a note into the box, डब्बे में एक रुकर डालता है and paddles away again, और दोबारा वापस निकल जाता है. I got the note, मैंने रुकर निकाला. And was back at the cave soon after. और जल्द ही वापस घर में पहुंच गया. By the lantern I read it to Bill. लालटेन की रोशनी में मैंने इसे बिल को पढ़कर सुनाया. And two desperate men, दो नाउमीद आदमियों. Gentlemen means हजरात. I received your letter, मुझे आपका ख़त मिला. I think the ransom you ask for the return of my son is little high. मेरा ख़्याल है कि मेरे बेटे की वापसी के लिए जो तवान आपने मांगा है वो कुछ ज़्यादा है. I hereby make you a counter proposition. इस ज़रिए मैं आपको एक जवाबी तजवीज़ दे रहा हूँ. Which I am sure you will accept, जो कि मुझे यकीन है कि आप मान लेंगे. You pay me $250 in cash. आप मुझे $250 नकद देते हैं. And I agree to take him off your hands. और मैं इसे आपके हाथों से लेने पर राज़ी हूँ. But bring him at midnight so that the neighbors don't stop you. मगर इसे आधी रात के वक्त लाना ताकि पड़ोसी तुम्हें रोक ना पाए. वेरी रिस्पेक्टफुली, नहायत एहतराम के साथ, एबेनेज़र डॉर्सेट. द चीक आई बिगिन. ऐसी हिम्मत में शुरू हुआ. बट आई ग्लांस्ड एट बिल एंड हेजिटेटेड. लेकिन मैंने बिल पर निगाह डाली और हिचकिचा गया. His eyes were pleading with me. उसकी आँखें मुझसे इल्तजा कर रही थी. प्लीडिंग का मतलब होता है इल्तजा करना. Sam says he. Sam वो कहता है. We have got the money. पैसे हमें मिल गए हैं. This kid will send me crazy. ये बच्चा मुझे पागल बना देगा या पागल कर देगा. आई थिंक मिस्टर डॉर्सेट इज़ जनरस फॉर मेकिंग सच एन ऑफर. मेरा ख़्याल है कि हमें वापसी कि हमें ऐसी पेशकश करके मिस्टर डॉर्सेट ने नहायत ब्याजी का मुजाहरा किया है. डोंट लेट द चांस गो. मौका जाने ना दो. ऑनेस्टली बिल सेज आई. ईमानदारी से बिल मैंने कहा. ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स टू. वो मेरे असाब पर सवार हो गया है. वी विल टेक डॉर्सेट्स ऑफर एंड मेक आर गेट अवे. हम डॉर्सेट की पेशकश कबूल कर लेंगे और भाग जाएंगे. दैट नाइट उस रात. We got him to go by saying that his father had bought a new toy for him. इस रात हमने इसे ये कहकर जाने पर आमादा कर लिया कि इसके बाप ने इसके लिए एक नया खिलौना ख़रीदा है. And we were going to play with the new toys the next day. और अगले दिन हम नए खिलौनों के साथ खेलेंगे. Just at the moment when I should have been collecting a ransom, and उस वक्त पर जब मुझे तावान वसूल कर रहे होना चाहिए था, Bill was giving $250 to Dorset.
बिल डॉर्सेट को $250 दे रहा था। When the kid found out we were going to leave him, जब लड़के को पता चला कि हम उसे छोड़कर जाने वाले हैं, he fastened himself as tight as a leech to Bill's leg, तो वो जब लड़के को पता चला कि हम उसे छोड़कर जाने वाले हैं तो वो जूं की तरह लीच होता, लीच को उर्दू में कहते हैं जूं, तो वो जूं की तरह मजबूती से बिल की टांग से चिपक गया। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड हिम, आस्क बिल्स, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक तुम इसे पकड़ी रखोगे, बिल ने कहा। I'm not as strong as I used to be. मैं अब इतना ताकतवर नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था, says old Dorset. बूढ़े Dorset ने कहा। But I think I can promise you 10 minutes. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं तुमसे 10 मिनट का वादा कर सकता हूँ। Enough, says Bill. बहुत हो गया, बिल ने कहा। In 10 minutes I shall cross the country and be over the Canadian border. 10 मिनट में मैं इस मुल्क को उबूर कर लूँगा और कनाडा के बॉर्डर के पार हो जाऊँगा। इतना मोटा बिल था और मैं जितना अच्छा रनर था, he was a mile and a half out of summit before I could catch up with him. इससे कबल मैं इसे पकड़ने से पहले वो समिट, जो कि हमें पता है एक स्मॉल टाउन है, वो समिट से 1.5 मील दूर था। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर स्टोरी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।